بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم। सामीन मुहतरम, हमा किस्म दी हमदो सना, तमाम किस्म दियाँ तरीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात, इकाई, तन्हाई, यकताई, किबरियाई अल्लाह मलिकुल अल्लाम वास्ते, जिहड़ा पूरी कायनात दा खालिक, मालिक, राजिक, दाता, गंज बख्श, रंज बख्श, लजपाल, गरीब नवाज, गौसे आजम, कायनात दे जर्रे जर्रे दा दस्तगीर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, फ़आलुल लिमा युरीद, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इन रब्बी करीब मुजीब वहुवल गफूरुल वदूद जुल अर्शिल मजीद, जिदी ज़ात सिफात कमालात च कोई शरीक नहीं, अजल तो कल्ला अब तक कल्ला रहेगा, क़यामत दे दिन उस कल्ले हुक्मरान दी हुक्मरानी होएगी। दरूदो सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम वास्ते। तुसा अहबाब ने मेरे तो कबल हज़रत अलवी साहब के कोलों बड़ा प्यारा खिताब सुने है और तमाम उलमा दा बयान करना, तुसा अहबाब दा सुनना, अल्लाह अपनी बारगाह कबूल करके क़यामत नूं ज़रिए निजात बनाए। मैं तो पहली दफ़ा आया मस्जिद के बनने तो बाद, बड़ा सोहना डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब ने और उन्होंने रुफाका ने अल्लाह का घर बनाया। अल्लाह इस तरह जन्नत के अंदर भी इन्हां दे महल बनाए। कुछ ही कह दो आमीन। जिहड़ा बंदा अल्लाह का घर बनाता है ना, सिलसिला सैया की एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत दे दिन अल्लाह अपनी अरश की कुर्सी पर बैठे होंगे, आवाज़ लाएंगे ऐ न जी रानी ऐ न जी रानी, मेरे गुआंडी किथे ने, हमसाए किथे ने, फतकूलुल मलाइकतु रब्बना मैं यंबगी ऐ युजावेरो का, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह केड़े गुआंडी केड़े हमसाए तुसी अरश ते दुनिया फरश ते, फरमाया फयकूल ऐना उम्मारुल मसाजिद, जेड़े दुनिया च मेरिया मसीतां बनाते रहे ने ना, मस्जिदां दा ख्याल करते सन, सफाई करते सन, चीज़ खराब है को मसीत दी ठीक करा के उन्हू लांदे सन, अज मैदाने मैशर च उन्हां लोकां नू मैं अपने अरश दे पाए दा गुआंढ देंगा। तो अल्लाह ताला ये फजीलत और मरतबत उन्हां साथियों नूं अता करे कि जिन्होंने ये अल्लाह का घर बनाया और तावन किया। उची कह दो आमीन। कोई नहीं, कोई फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाजा सिहर मुबीन। 1,24,000 कमो पेश अंबिया दुनिया ते जलवा घर होए। हर नबी नू अल्लाह ने फजीलत, अजमत और शान अता की थी। तिलकर रुसुलु फज़लना बाज़हुम अला बास, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजात। लेकिन सारे रसूलों के उते अजमत, फजीलत, मरतबत, शान, मुकाम अगर अता किया है तो आमीना दे लाल मुहम्मद नू अता किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई दुनिया का नबी, कोई रसूल, कोई बशर आप दी अजमत नू ना पा सकिया, ना पा सकदा, ना पा सकेगा। सुरंदारमी की रवायत है, दो फरिश्ते आसमान तो आए, एक जमीन आसमान के दरम्यान मुअल्लक रहा, एक नीचे आया, आका अलैहिस्सलाम हरम च लेटे ने, फरमाया कि तराजू मंगाया गया, एक पल्ले च मैनू बिठाया गया, दूजे पल्ले च एक आदमी, तराजू उठाया गया मेरा पल्ला भारी, फिर 10 बिठाए गए फिर भी भारी, 100,000, 10,000 फिर भी पल्ला भारी। उतला फरिश्ता दा की गिन गिन के तोलन ने है, आका फरमाते ने पूरी कायनात एक पलड़े ही सुटी, मेरी तकड़ी फिर भी जमीन तो नहीं उठी।
इहदा मतलब है भी दुनिया के जिन्हें मुफ्ती ने पीर ने इमाम ने गद्दी नशीन ने साहबजादे सैयदजादे खानजादे वह भी उस पलड़े च आया सन कि नहीं, लेकिन दुनिया की कोई शख्सियत मेरे पैगंबर की अजमत और शान और मुकाम का मुकाबला नहीं कर सकती ना कर सकेगी। जिस तरह अल्लाह ने दूसरिया फजीलत अजमत नबी अलैहिस्सलाम नू हर नबी नू अज़ैदा दित्तियां ने अलैदा, वो खसूसियात का जिक्र करन दा टाइम नहीं, टाइम यानी कि मैं जरा मजमून शुरू किया कि वाज़े अहादीस ने ऊती तो जवामी अल कलिम व नुसिर तो बिर रोब व उहिल्लत ली अल गनाइम व जुइलत ली अल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्की काफा व खुतिमा बी अन नबीयून ऊती तो शफा। सत ते यही ने कि जड़ियाँ अल्लाह ने किसी नबी नू नहीं दित्तियां वो मैनू दित्तियां। फिर आपने फरमाया इन अली असमान अना मुहम्मद वाना अहमद वान अल हाशिर अल्लज़ी युहशरु नासु अला कदमी यौम अल क़यामा व अनल माही यमहुल्लाहु बिल कुफर व अनल आकिबु लैसा बादहू नबीयुन। इन्हां खसूसियात दे नाल भी इन्हां नामां नाल भी किसी नबी नूं नहीं अल्लाह ने नवाजिया। तो मैं जिस बात का जिक्र करना चाहना कि जेड़े मोजज़ात अल्लाह ने अपने महबूब नूं दिते ने वह भी किसी नबी नूं नहीं दिते, वह भी किसी नबी नूं नहीं दिते। लोग तो आज झूठे पीरां दीआं करामतां बयान करते हैं ना, बाबियां दीआं उन्हें मलंगनी कढ़ी उन्हें अगले दरबार से वेचड़ी उन्हें अगे वेचड़ी उन्हें ओदी लैन दी, कहन लगा भी करामत ही है। मैं कहा चंगी करामत, कोई पीर अपने दिया कोई गल्ला करता है जी, पीर नमाज पढ़ता ही थल्यो सकर निकलती सी, कोई पीर आंदा है जी वो उरस आए तो उदो नेरी आउंदी है, इन सब बनावटी करामत। मैं थोड़े ना अज गल करनी उस पीर की जिदा पीर ही कोनी तो जरा पूरी कायनात के पीर का पीर है, पूरी दुनिया के पीर का पीर है, अगों का पीर कोनी, वरना हर पीर का अगे पीर है। पीर भगाड़ा मरिया वह पीर झंग तो गया ही जनादा पुरान, हर पीर का पीर है, लेकिन जिन्हों अस ही पीर मनिया वह पीर कायनात कोई नहीं, वह आप पीर है, वो आप पीर है। और उस पीर के मोजज़ात का जिक्र करना चाहना, देखो ना हजरत मूसा अलैहि सलाम सोटा मारते हैं बारह चश्मे जारी हो गए, दरिया च सोटा मारिया बारह सड़क बन गई, वो ही सोटा सुटते सन उसका हाथ सप्प बन जाता सी, फिरौन दे जिहड़े दूजे जादूगर हन उन्हां दे निके निके सप्पां नूं खा जांदा सी। सोटा एक ही है लेकिन कमालात वेखो, ये मोजज़ात ने हजरत मूसा दे। हजरत ईसा अलैहि सलाम कबर ते जाके आंदे हन कुम बेइज़्निल्ला, भई अल्लाह दे हुक्म नाल खड़ा हो, मुर्दा कबर चो जिंदा हो के कबर फटदी ही मुर्दा बाहर आ जांदा सी, ये मोजज़ा है। अगर कोई फुल बैरी वाला कोड़ दी बीमारी वाला हजरत ईसा अलैहि सलाम को लिया जाता ही आप हाथ फेरते सन अल्लाह शिफा अता कर देंगे। हजरत इब्राहिम नू अग ने साड़िया नहीं, यह भी मोइज़ है। इस्माईल के गले नू छुरी ने कटिया नहीं, यह भी मोइज़ है। ये मोइज़ात अपनी जगह ने, बारह चश्मे पहाड़ पत्थरों चो चलने को बड़ी गल नहीं, अज भी चलन डे ने पहाड़ों च, इधर मरी वाल जाओ पहाड़ों चो चश्मे जारी ने। लेकिन असल बात यह कि नबी अली सलात व सलाम जो सफर च जा रहे ने, हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला ने आके कहा अल्लाह रसूल पानी मुक गया है, पानी को नहीं, डंगर प्यासे ने, वूजू भी करना है, पीण वास्ते पानी भी कोनी, प्यास भी लगी है। तो आपने फरमाया कि को पानी
बोल दे नहीं कुछ समझ आउन डई जे कोई ना तो हूं हां करो कोई सुभान अल्लाह को जजाक अल्लाह नहीं तो इना नहीं लई पड़ी जाओ कुछ करो तो सही तुसी बारिश ही हुई है तुसी ते ठंडे ही हो गए हो जरा गौर करो तवज्जो तो मैं बात कर रहे हैं कि उदों मुशरका ने कहा कि जादूगर है जादू के जरिए कर अज की आंदे ने ये नहीं ये नबी का कमाल है ये विचों हुण मसला की निकलिया कि नबी मुख्तारे कोले यानी मौजज़ात नूं वेख के कहा नबी मुख्तारे कोले ये सारे इख्तियार अल्लाह ने नबी नूं दे छड़े लेकिन रब्बे कायनात ने अपने नबी को ऐलान करवाया तवज्जो जरा मेरे वर रखो सूरत अल्लाह नाम है आयत नंबर 50 है ये आज जी मैं पढ़ लगा ना 2003-04 की गल है उत्थे लाहौर स्टेशन के नाल है बोर्ड वाला चौक उत्थे डॉक्टर साहब ने साडे डॉक्टर फजल साहब होम्योपैथिक के डॉक्टर ने उन्होंने ना एक बोर्ड के उत्ते लिख के ना आयत तो थले तर्जमा लिख के उन्हें बोर्ड वाले चौक चो बोर्ड ला दिता तो साडे भाइयों ने जाके हाई कोर्ट च मुकदमा कर दिता भी वह बोर्ड लाया जाए वह आयत जी मिटाई जाए क्योंकि वह आयत साडे अकीदे के खिलाफ है गल दी समझ आ रही साडे अकीदे के खिलाफ है लिहाजा वह ऐत जी है ना उतों मिटाई जाए या बोर्ड उतारिया जाए वो फिर मुकदमा चलिया ऐत जी मिटाई गई बोर्ड उतरिया तो मैं क्या हलाल दे बनो ना तो फिर कुरान चो भी इस ऐत नूं कढ दिओ बोर्ड चो जो मिटाई जे तो कुरान चो क्यों नहीं कढ दे कुरान चो भी कढ़नी चाहिए जड़े जड़े अकीदे के खिलाफ है थोड़े कुरान चैतान ने वह सारी ही कढ़ दिओ हुण तो सारा कुरान ही थोड़े खिलाफ है मौलाना नज़ीर सुभानी साहब अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए किहड़े वेले याद आए उन्होंने कहा यार एक बंदा आया उन्होंने दुकान सी किताबां दी उन्होंने कहा यार शिया के खिलाफ किताबां दे उन्होंने दितियां देवबंदियों के खिलाफ दितियां उन्होंने कहा यार बरेलवियों के खिलाफ उन्होंने कुरान ही फड़ के फड़ा जिहड़ा भी इहदे तों वड्डी किताब इन्हां दे खिलाफ है ही कोई नहीं कुरान जिहड़ा है इहदे तों वड्डी किताब इन्हां दे खिलाफ है ही कोई नहीं आउंदिया मैं क्लिप सुनना है पै एक मौलवी साहब ना बार भी साबित करन दे हन सही बुखारी चो वेखो तुसीं मत मारी ये बुखारी शरीफ चो बार भी साबित पिया करदा है कि नबी पाक दे सामने खाना लिया गया ते आका ने उत्ते फिर पढ़िया फिर की पढ़िया इहदा को नहीं पता यह पढ़िया वेखो बार भी साबित होई है कि नहीं नाल होई भी आंदा बार भी साबित होई हदीस बुखारी की बयान करता है तो मौजूदा बिदत जी शुरू हुई है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी तो बाद हवाला कितों दे रहा बुखारी शरीफ चो जिमें ईद मिलादुल नबी का जुलूस कहो ना कुछ साबित करो आंदे ने कुरान च 32 आयतां आईयां ने ईद मिलादुल नबी दे भी जिहड़ी 600 साल बाद बिदत शुरू हुई है ना वह हवाला कितों देंदे ने कुरान चो सुभान अल्लाह मैं कह सहाबा नूं समझ नहीं आई मौलवी तेनू समझ आ गई अल्लाह ताला हर साल ना बिदत एक नवा अंडा दे दी है नवा अज में मुल्तान च पिछले साल एक हूर ना बिठाई ही चौक च ये नवा अंडा ही है ना मैं क्या पहली हूर वेखी जी चौक च बैठी है बोलते नहीं नहीं तो हूर उम मकसूरात उन फिल खयाम वो तो खैमिया जी बंद होनी है उन्होंने कि जिन इंसान ने छूना ही नहीं किसी की नज़र पैनी नहीं मिलनी जिन्हू है उन्हें ही वेखना यह हूर कैसी है जी चौक च बैठी है फिर उन्हें मुकदमा किया उन्हें कहा 12,000 इन्हें दिता 18,000 नहीं दे दे उस हूर ने मुकदमा दिता किया ना भी इन्हें 30,000 मेरे ना मुकया ही चौंक च बिठाने का 12 दिता ने 18 नहीं दिता तो इस साल भी नवी बिदत शुरू हो गई जिहड़ियां बीबियां फेसबुक पर आईया ने वो मेकअप कर दियां ने स्टेज के उत्ते बह के पढ़न की दईयां ने ना तां तो एक बीबी नाल तकरीर कर रही है वह आँदी है अल्लाह ने कुरान च फरमाया नबी तू नूर उम्मिन नूर इला ये कुरान च आयत आई है मैं क्या बीबी ये 36 सिफारे की हो सकती है 30 पारे ही सानू तो नहीं लभी वो 36 पारे जो है डर नहीं आता कोई भी डर बिल्कुल निकल चुके है मैं क्या पैगंबर की तलीम यह नहीं देती मैं क्या जिस पैगंबर की विलादत मनादियाँ वो बारे ही तो माँ ऐशा ने फरमाया सी अरब दियाँ कुआरियाँ औरतों च भी इन्ना हया नहीं सी जिन्ना हया अल्लाह ने मेरे मुहम्मद नूं अता कर दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे कोल बीबियां इस्लाम कबूल करन आउंदियां सन ते माँ ऐशा दे हुजरे च पर्दा लटकिया सी उहदे थल्लों दी कपड़ा आर पार सी इधरों बीबी ने फड़ना उधरों आका ने फड़ना एक बीबी आई अचानक में पेंडू बीबी सी हाथन उन्होंने नहीं सी पता उन्हें समझा हाथ उत्ते हाथ रख के बैत करी दी उन्हें हाथ अगे किया उंगलों अगे गई
मेरे महबूब ने शर्मो हया दे पैकर ने आपने उस बीबी नू नहीं किया हाथ पीछे कर ले, अम्मा ऐशा नू किया, ऐशा नू कहा हाथ पीछे कर ले, मुहम्मद किसी गैर महरम दियां उंगलां भी नहीं वेखना चाहता। मैं क्या तुसी कैसिया नबी की सीरत नू बयान कर दी, चौंकां च बैठिया मेकअप करके बह जांदियां, जामने बंदे बैठे ने थब्बा थब्बा मेकअप किया, थोनू शर्म नहीं आउंदी, बेपर्द हो के बहिंदे, इस्लाम बेपर्दी की इजाजत नहीं देंदा, औरत औरत दे कहलान दी हकदार ही नहीं जिहड़ी पर्दा नहीं करदी, औरत दा मान ही पर्दा है। मुझे सभी कहते हैं नीची रख निगाह अपनी, उन्हें कोई नहीं कहता न निकलो यूं अय्या होकर। तो मेरे भाइयों कुरान हदीस हमेशा उन्हां लोकां दी मुखालफत करदा है जिहड़े बिदती ने जिहड़े मुशरिक ने। आइए कुरान की आयत केड़ी है, फरमाया कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब वला अकूलु लकुम इन्नी मलकुन इन अत्तबियु इल्ला मा यूहा इलैया कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून। ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया कह दियो कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। जिथे लफ्ज़े कुल आया ना कुरान च जिथे भी आया, मैं पूरे कुल्ला का तज़किरा किया कुरान च, मैं वेखे ने उत्थे मसलक अहले हदीस की हकानियत ही वाजे हुई है, बेशक कुल कढ़ के वेख लिया जी, ये खास है कुरान दा। कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, फरमाया मेरे महबूबे कह दियो दुनिया दे लोगां नू, मैं ये नहीं कहिंदा मेरे को अल्लाह दे खजाने ने मुख्तारे कुल दी नफी, वला आलमुल गैब मैं इल्मे गैब भी नहीं जानदा, इल्मे गैब दी नफी, वला अकूलु लकुम इन्नी मलकुन लोको मैं ये भी नहीं आंदा कि मैं नूरियां फरिश्ता वा, तिन्ना गल्लां दी नफी हो गई। किन्नियां गल्लां दी? तिन्ना गल्लां दी नफी हो गई, मसलक भाबियां दा सच्चा हो गया है। फिर अगे फरमाया इन अत्तबियु इल्ला मा यूहा इलैया, ओ दुनिया दे लोगो मैं पैरवी करना वा जेड़ी मेरे ते आसमान तो वही नाजल होंदी है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, मेरे महबूब जी इन्हां नू कह दियो अन्ना ते सजाखा बराबर नहीं, अफला ततफक्करू क्या तुसी कुरान नू पढ़ के दा तर्जमा पढ़ के गौर फिक्र नहीं करते। आइए सूरत अल आराफ आयत नंबर जी 188 है, फरमाया कुल्ला अमली कुली नफसी नफ औला जर्रा इल्ला माशा अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे महबूब कह दियो मैं अपनी जान दे नफे नुकसान दा मालक बोलिया जे, मैनू ना अख्तियार दे पूरी कायनात दे, दुनिया दे अख्तियार ना दे, मैं ते अपनी जान दे नफे नुकसान दा मालक नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। वलौ कुंतु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी सू, अगर मैं इल्मे गैब जानता हुंदा मैं दुनिया दियां भलाइयां ही भलाइयां कट्ठियां कर लैंदा, मैनू जिंदगी च दुख आउंदे ही कोई ना। ये कुरान दिया दो आयात ने जिद अंदर अल्लाह ने मुख्तारे कुल दी नफी की जबान चो कराई, आमीना दे लाल दी जबाने नबूवत चो कराई। आइए फिर ये समझना पड़ेगा जेड़ा मोजज़ा है ओदे अंदर हाथ नबी दा हुंदा, कुदरत अर्श वाले खुदा दी हुंदी है, करामत दे अंदर हाथ वली दा हुंदा, कुदरत अर्श वाले खुदा दी हुंदी है। मोजज़े च नबी दा कमाल नहीं, करामत च वली दा कमाल नहीं। बोलिए वेखो ना, अगर कमाल नबी दा होए रब ने मौजज़े दा जिक्र कीता है, सुबहानल्लज़ी असरा
بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ نے پاک او ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے نو. لفظ ابد اتھے ہوندا ہے جتھے روح تے جسم دو چیزاں کٹھیاں ہون. اگر روح نکل جائے تے بندہ نہیں رہندا, پھر کی ہو جاندا ہے؟ ڈیڈ باڈی. یہی آندے ہو نا, میت ہو جاندی ہے جو روح نکل جائے. روح نکل جائے اکھاں ویندیاں نہیں, روح نکل جائے کان سن دے بولیا جی, ذرا زبان بول دی, ہاتھ ہل دے نہیں, پھڑ دے نہیں, پیر ٹر دے نہیں, روح نکل گئی. بندہ ستا ہوئے, ستا بندہ ہوندا ہے, کئی بندے ستے ہوندے نے, منہ انہاں دا تھوڑا جا کھلیا ہوندا ہے, ہوندا ہے نا, کھراٹے کھروٹے مار دے نے, اودے منہ ہی سیویاں پاؤ کھائے گا. بولیا بولو تے صحیح یار. اچھا ستا بندہ کھاندا نہیں تے سندا ویندا جدو روح معلق ہے بندے دے جسم دے نال. بندہ ستا ہوئے نا, روح معلق ہوندی ہے, جدو معلق ہے ادو سندا نہیں, ویندا نہیں, کھاندا نہیں, پیندا نہیں. تے جدو روح کئی سو نکل جائے پھر جمعہ رات نو پھیرا بھی مارتا ہے, پھر کھاندا بھی ہے, بولتے نہیں, پھر پیندا بھی ہے. ایک نو میں کیا ہی آندا ہی السلام علیکم یا اہل القبور آندے ہو تو سن دے ہی نے. میں کی آندے نے ہی وعلیکم السلام. میں کہا پھر تو سننا ہے وعلیکم السلام جو آندے نے تو سننا ہے. آندا نہیں. تو میں کیا وہ تو سن دے نے قبر چ پہ گئے لیکن میں نہیں سنتا. پھر میں کیا مردہ تو نہیں ہوئے, تینو انہوں کٹ لینا چاہیے, تینو اتنے پا چڑھنا چاہیے. پھر یہی گل وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر مکے والوں کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر نہیں, دھوپ تے چھاں برابر نہیں, اندھیرا تے روشنی برابر نہیں, مردے تے زندے برابر نہیں. بے شک اللہ جنوں چنا چاہے سنا دے. میرے محبوب جی تسی انہاں قبراں والوں سنانا چاہو تے سنا نہیں سکدے. سیدھی جی گل ہے, کوئی دو نمبری والی گل ہی کو نہیں, ساڈا تے سیدھا سیدھا ہی ترجمہ. آئیے قرآن دا ایک اور مقام انک لتسمیع الموتا مردے نہیں سن دے. آئیے ذرا غور کیجئے ایتھے لفظ ابد آیا ہے. سبحان اللذی پاک او ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے نو کتھوں حرم تو لگ کے اقصا تک اسرا بے عبدہ ہی لیلم من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصا. حرم تو اقصا سفر کنے چالیاں راتاں دا سفر ہے. اللہ اللہ لنوریہو من آیاتنا انہو ہو السمیع البصیر. ہوں اقصا پہنچے, اقصا تو اگو جبریل لے گیا کتنے ستا آسمان دی سیر کرائی. ستا آسمان ہوں ایک آسمان دا موٹاپا کنا 500 سال دا, ایک آسمان تو دوجے آسمان دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا, پھر دوجے آسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا, کتوں کنے بنتے ہیں ستو پانچ 3500 سال ایک تو 3500 جڑا درمیانہ وایا ہے وہ لا لو کنا بن گیا 7000. 7000 ہی بنیا, 35 تے 35 کنا ہوندا 7, 500 سال پھر 70000 دا وایا بن گیا. بولتے نہیں اتنا وایا رات دے تھوڑے جے حصے چ, لیلن نکرہ یعنی پوری رات نہیں تھوڑے جے حصے چ. بابا جی شمشاں آندے نے کنڈی ہلن دے ہی سی آقا اپنے بستر تے بھی آ گئے. سبحان اللہ, معجزہ ہے. معجزہ عقل منے نہ منے لیکن رب منواندا ہے. عقل نہیں مندی ایڈا لمبا سفر, عقل نہیں مندی حرم تو اقصا. آپ گئے سدرت المنتہا تے جبریل تھلے رہ گئے تے پوری بشریت دا سردار اتے گیا.
आका दी हदीस है सिका सिके बंद। आका फरमाते ने मैं इतों तक गया कि जेड़ियां कलमा तकदीर लिख रही ने ना उन्हें कलमा के लिखन की आवाज मैं अपने कन्ना ना सुनी। नूरी थले रह गया फरिश्तियां दा सरदार ते बशरीयत दा सरदार उत्ते टुर गया। तो हुण आंदे ने वाबी गुस्ताख जे नबी नूं बशर आंदे ने ते वेख ते अदब की है। अहे नबी नूरी ने, मैं कहा तू नूरी कह के शान घटाया वधाया ते नहीं, नूरी ते थले रह गया बशर उत्ते गया। ते जे नबी नूरी है ते फिर भाईया तेनू की ओदे नूरियां दा, ते जे नबी बशर है ओ साडा फिर भी तेनू की। ओ बोलदे नहीं, वह हाफज सी ना कन्ना, उन्होंने किसी ने कहा भी हाफज जी खीर पकी है, उन्हें कहा तेनू की, उन्हें कहा मैनू की, उन्हें कहा हाफज जी थोड़े वास्ते पकई, उन्हें कहा तेनू की, खीर चू पकी है तो उन्हें पहलू क्या मैनू की, उन्हें कहा थोड़े वास्ते पकाई, उन्हें कहा तेनू की। बई नबी नूरी है तेनू की, ते बशर है फिर भी तेनू की, बशर है साडा नूरी है नूरिया का, तू जाके तो छनकना मां। हाँ, सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दही, आप गए सतवें आसमान ते, सुते रहन सिद्दीक फारूक हुरी, तू फलकां ते आ जा चुप कर गे, बुराक ते चढ़ गे लैल असरा, अकसा नू सजा जा चुप करके, अकसा दे विच ने निशान कई, जो मैं बनाए ने तेरे वेखण लई, मूँह चुक चुक के वेंदे सारे नबी, दो कु रकता पड़ा जा चुप करके, सिदरा ते छड़ जिबरीले नू, ते बुराक रंग रंगीले नू, रफ रफ दे ताकत विच चढ़ के, बाकी सफर मुका जा चुप करके, उथों मार पुलाक बुरा के उते, लहजे हफत विच अफला के उते, जिथे कोई भी नबी आ सकिया नहीं, उना जगह ते आ जा चुप करके। जन्नत दिया निकलन चीकाने, आज रात मेराज उड़ीकाने, मेरे मलक ते हूरा सिक देनी, प्यारी शकल दिखा जा चुप करके, लै जा तू अबद ते मैं मबूद तेरा, तू साजद ते मैं मसजूद तेरा, मेरे सामने अत्ता ही आ तो लिल्ला ही, दो कु बोल सुना जा चुप करके, लै जा तोहफा पंज नमाजां दा, वल सिख जा इज्जत नियाजां दा, समसाम सने गुनागार उम्मत नू बख्श जा चुप करके। किनिया नमाजा मिलिया, वो पांच नहीं हो धांधली तो ना करो यार। पंजा मिलिया नबी अली इस्लाम थले आए, थले आसमान ते ना हजरत मूसा सन, फरमान लगे मा फरज अल्लाह अला उम्मती का, थोड़ी उम्मत ते अल्लाह ने की फर्ज किया, पंजा नमाजा, ये पंजा ही लै आयो। आका फरमा दे हाँ पंजा ही लै आ, मेरे बेली तो पक्की पखाई खा के दो नहीं पढ़ते, ना पंजा कितों पढ़नी है। फेरा मारो, नबी मूसा ने नौ फेरे मरवाए तो पैंताली गई, तो पांच रह गई, तो मूसा ने बड़ा जोर लाया एक होर मार छोड़ो, जेडे ना पंजा धोखे ना आते लगते हाथ बाजी जाता, चंकी गल बोलते नहीं, मौलवी तो सह ही नहीं लेंदे, उदो दिहाड़ियाँ छोटिया ने जोर पढ़ के आ गए, जो मझा पट्ठे ही पाए देने पिछों फिर बांग ठोक देंगे ने। है अल्लाह अकबर, नबी मूसा अली सलाम ने जोर लाया सी। सुनन नबी दाऊद की रवायत मैं अगले दिन पढ़ी, अल्लाह कहिंदे ने मेरा महबूब अगर मेरे को आ जांदा ना तो मैं पंजा चो भी घट कर देनिया सी, लेकिन आका फरमाते ने हुण मैनू जांदिया शर्म आउंदी, अगे ही बड़े फेरे वज गए ने, उत्तों आवाज़ आई फिर आउण दी लोड़ भी नहीं, तेरी उम्मत पढ़ेगी पंज सवाब पंजावां दा ही अता करांगा। हुण जिहड़ा बंदा पंज पढ़ के पंजा ना लए रोज दियां, उहदे सिर च सौ छित्तर मारो सवेरे तो उत्तों हुक्के दा पानी पाओ। बोलदे ने भावें थोड़ा मुंडा बेनमाज है, भावें कोई थोड़ा कोई अजीज होर बेनमाज है, उन्होंने सवेरे डेली छित्तर मारिया करो। जिहड़ा बंदा नमाज के टाइम सुता रहे वो बंदा है, वो तो सूरना भी भैड़ा है।
अजय सूर भी अल्लाह की हमद बयान करता है, वाई मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह। दुनिया की कोई ऐसी चीज विखाओ ना जी अल्लाह की हमद से तस्वीर बयान नहीं करती, सिवाय बेनमाज तो। पांच पढ़ के पंजाह दिन मिलन रोज दिया तो कितने एस्टीमेट पहुंचता है। हदीस भी बुखारी दी। इस वास्ते मेरे भाईओ, जानी की माफी है, शराबी की है, कातल की है, बेनमाज की माफी कौन है? एक गल याद रख लो, बेनमाज की माफी कौन ही? जे अगर बेनमाज तौबा ना ना करके मरिया, नमाज पढ़ के ना मरिया तो कौन ही माफी लगनी? बेनमाज मुशरक भी है, बेनमाज काफर भी है। अकीम सलात वला तकून मिनल मुशरिकीन बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तरकुस सलात। सकीफ बनी सकीफ के कबीले के लोग मुसलमान होने वास्ते आए नबी अली सलाम को, मैं जुमे च ये रवायत बयान की थी। उन्होंने कहा लरसूल साड़ियाँ शरायत ने इस्लाम कबूल कर दियाँ। फरमाया दसो की ने? है जी अहां जकात नहीं देनी। आपने फरमाया ना दिया जी, रोजे नहीं रखने। फरमाया ना रखिया जी। कहन लगे जी असी फिर हज भी नहीं करना। फरमाया ना करे जी। उन्हें कहा जी अभी नमाज भी नहीं पढ़नी। तो मेरे पैगंबर ने टेक लाई सी, उठ के खड़े हो गए तो चेहरा गुस्से ना लाल सुरख हो गया। तो सहाबा कह लगे इन्होंने चुक के इतों मसीतों बाहर सुटो, मैनू इन्होंने इस्लाम की कोई जरूरत नहीं। जेड़ा इस्लाम नमाज तो खाली होए, ईमान नमाज तो खाली होए, उस ईमान तो इस्लाम की लोड़ ही कोई नहीं। वो कह लगे जी चलो जी अभी तीन साड़िया तो ही मान लो, एक ही मान लें, चलो नमाज अही पढ़ा। हुण अगों आ गया रमज़ान, सहाबां ने अह जाके पता किया भी पता करिए रोजे रखते ने कि नहीं। आते ने जो अं उ पहुंचे तो बनी सकीफ के बच्चा भी रोजे रखे सन, निके निके बच्चा। जकात का मौसम आया, जकात लैन वास्ते एक बंदा गया तो उन्हें जकात का वखरा ही ढेर लाया ही पहलू ही भी जकात लैन वास्ते बंदे ने। तो हज का मौसम आया, सब तो पहले हज के उत्ते बनी सकीम वाले पहुंचे। मुराद की नमाज ठीक हुई तो सारा कुछ ही ठीक हो गया है। जिस बंदे की नमाज ठीक नहीं होता कुछ भी ठीक नहीं। ये गल याद रखो, मस्जिद के बनान ना, क्लीन पान ना, टैला लान ना काम नहीं बनता। मसीतां आबाद होंदियां ने नमाजियां दे नाल। बेनमाज मुशरिक, तो जिहड़ा मुशरिक है कोई अमल कबूल है। तीसरे पारे की आखिरी आयत तर्जमा पढ़ लिया जे। फरमाया मुशरिक जिहड़ा मेरी जमीन नू सोने ना भी भर दे, मैं मुशरिक का सोना भी कबूल नहीं करना। अगली गल करो, आ बेनमाज पूरी पूरी साल नमाज नहीं पढ़ते, कुरबानी आउंदी तां 50-50 लख दियां कुरबानियां कर छड़दे ने। ये तेरी कुरबानी दा अल्लाह की अदालत जो तेनू मच्छर दे पर दे बराबर भी अजर नहीं लभना बेनमाजा। नबी पाक ने फरमाया कुल इन सलाती व नुसुकी, नमाज पहलू कुरबानी बाद च। फसल्ली रब्बी का वनहर, सोनिया नमाज पढ़ कुर्बानी कर, कुर्बानी बाद नमाज पहलू। दसो नमाज किहड़े हिसाब ना अही विचो बार कढ़ांगे? कयामत दे दिन सब तो पहला पेपर कहदा होना नमाज का। और हदीस के अल्फाज ने अगर नमाज ठीक तो सारा कुछ ही ठीक, यानी पेपर नमाज के पेपर जो बंदा पास हो गया ना, बाकी पेपर जो नंबर थोड़े भी होंगे रब ने रहमत की चादर ची हंगाल के अगे कर छड़ना है। तो जिहड़ा नमाज के पेपर जो फेल होया बाकी जो पास हुआ कौन नहीं जी उन्हें अगे जाना, उन्हें अगे नहीं जाना। कयामत का दिन होएगा बेनमाज, मैदाने मैशर च जमा होंगे, पूरी कायनात होएगी। यौम युक्शफु अन साकिम व युदऊना इलस सुजूदी, अल्लाह पाक अपनी पिंडली नंगी करन दे, पिंडली दी नुरानीयत नूं वेख के नमाजी सजदे च डिग पैणगे। ते जिहड़े बेनमाज ने ये मैदाने मैशर च सजदा करना चाहणगे, अल्लाह इन्हां दीआं कमरां च सरिये फिट कर देवेगा। इहनूं मामूली के समझदे? पीर अब्दुल कादर जिलानी फरमाते ने जिहड़ा बेनमाज मर गया उहनूं गुसल भी ना दिओ, उहनूं कफन भी ना दिओ, उन्हों मुसलमाना दे कब्रस्तान च दफन भी ना करो, तो उस लानती का जनाजा भी ना पढ़ाओ। साढ़े मौलवियों का भी कसूर है जेडे बेनमाजा के जनाजे पढ़ाते हैं। एक साल बेनमाज का जनाजा मौलवी ना पढ़ाए जिस पिंड चो, जे मसीत भरी ना जाए नमाज दे, अजान के टाइम मैं फड़ लिया जाए। हाँ <दे रहे ना। laughs>
हाँ मौलवी का रगड़ा कर देना हाँ मौलवी पिंड छड़ के टुर जाए कोई होर मसीतां बड़ियां ने आइए जरा गौर कीजिए नबी अली सलाम जो मिराज तो वापस आते ने मक्के दे अंदर सुबह का टाइम है अबू जाल मिलता है अबू जाल आंदा मुहम्मद कोई अज नवी गल करनी आ आका फरमाते ने हाँ नवी गल ही अबू जाला नवी गल वे मैं रात हरम तो अक्सा गया वा अक्सा तो सत्ता आसमाना की सैर करके आया जन्नत ते जहन्नम वेख के आया अबू जाल आंदा रात दे थोड़े जे हिस्से जी थोड़े जे हिस्से जी पूरी रात नहीं अबू जाल उठता सीधा अबू बकर दे कोल जांदा आंदा अबू बकर मैं तेनू एक गल लगा दसन एक बंदा आखे मैं हरम तो अक्सा गया चालियां रातां दा सफर है वह आंदा मैं रात दे थोड़े जे हिस्से च हरम तो अक्सा गया ते सत्ता आसमाना की सैर भी करके आया जन्नत जहन्नम भी वेख के आया अबू बकर आंदे ने ओए अबू जाल कहिंदा कौन है फरमाया तेरा यार मुहम्मद कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर आंदे ने ओए अबू जाल सुन लै जे मेरे यार ने आख्या फिर पूरा जहान गलत हो सकता है मुहम्मद की जबान गलत नहीं हो सकती जो उन्हें आख्या तो उन्हें सच ही आख्या पाक ही आख्या अगले दिन तफसीर कुमी है शिया की हसन असगरी और तफसीर दो तफसीर ने उसके अंदर पढ़ रहे कि चौथे आसमान से जो आका है ना फरमाया जबरील सत्ता आसमाना की सैर करा के लै चला मेरी तस्दीक कौन करेगा जबरील ने चौथे आसमान से क्या तेरी तस्दीक अबू बकर सिद्दीक करेगा रजी अल्लाह तआला अन्हु सुभान अल्लाह अबू बकर ने तस्दीक की फरमाया अबू जाला जो कहता वो सच कह रहा है पक कह रहा है ला शक कह रहा है हूँ इतने भी बेबस हो गए सवेरे सवेरे काफर सारे कट्ठे हो गए नबी पा दरवाजे अगे आ गए हाँ भाई रात अक्सा वेखीए मुहम्मद तू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ जी वेखीए वो बूहे किन्ने ने बारियां किनिया ने वो रोशनदान किन्ने ने अल्लाह ने कहा मेरे आका परेशान हो मैं हूँ बूहे बारियां तो गिण के नहीं आया फरमाया जबरील पूरी अक्सा मस्जिद चुक लै तो मेरे नबी दी अखां दे सामने ही रख दे इन्हों कह सो ये पूछी जान सोने तू वेख के दसी जा सुभान अल्लाह अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुकम होया ऐसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा दिल ए पर तार दिल दूर पुचारे ने पैरा वल खलोगे जिबरील सोना चल दी मार जगा रहे ने अदब नाल जगा के अरज की ती थानू बारी ताला बुला रहे ने मलक सारे तक दे नी रा तेरा हूरा तालब ने सब दी दार दिया विच दरबार खुदा दे हो रही ने इंतजारियां आप सरकार दिया वही कोलो पैगाम सलाम सुन के आप रब दा शुकर बजान लगे निकले हुजरियों बाहर अलहमद पढ़ दे नाल शौक दे वुजू फरमान लगे वुजू करके हजूर जब बाहर निकले शोले हुसन दे दूर तक जान लगे मिलके सारे अनूरियां अशकों किया शाना वेख के मेरी सरकार दिया आज दी रात विच मनिया जानिया ने गल्ला सारिया सब दिलदार दिया सत्तर हजार परद दरम्यान च एक मौलवी है लाहौर का कादरी उन्हें कहा जो नबी पा मिराज ते गए रब नू जाके उन्हें जफा ही पा लिया उधरे बड़े सन जफा पा लिया मैं मौलवी एडा झूठ है जिवें बिल्ली नू आखो ऊठ क्योंकि वमा तुदरी कुहल अबसार कायनात दी कोई अख अल्लाह नू नहीं वेख सकती किताब तो ही सही बुखारी अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने
जिन्हें कहा कि नबी पाक ने अल्लाह नूं वेख्या उन्हें झूठ बोलिया, कोई अख रब नूं नहीं वेख सकती। इंशाअल्लाह जन्नत च ही वेखांगे, इंशाअल्लाह जन्नत च अल्लाह ने अपना दीदार कराना है। जन्नती एवें वेखणगे जिवें 14वीं रात का चन्न वेखी है। सुभान नीयत देर तो सी सदके खुश करना, मैं ते दसिया किसे नूं जोड़ कोई नहीं, जो दिल अंदर आउंदा ही साफ साफ कह दे, किसे किस्म दी संग दी लोड़ कोई नहीं, अज नाना दा इत्थे सवाल कोई नहीं, दूजा मेरे खजानिया च थोड़ कोई नहीं, हर वगदा साडियां रहमतां दा, जो कुछ मंगना ही मंग लै मोड़ कोई नहीं। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वल, मैं दूसरा नंबर ते वाकया पेश करा, मौजज़ा सीरत उन नबी है सैयद सुलेमान नदवी दी, सीरत उन नबी सैयद सुलेमान नदवी दी। इधर तवज्जो मेरे वाल, तिरमजी दी जिल्द सानी है, तिरमजी शरीफ दी जिल्द सानी। 1700 दा लश्कर तैयार होया, 1700 दा, 1700 दा लश्कर तैयार होया, ते सहाबा ने अपने पेड़ ते एक एक पत्थर बने, ते नबी ने दो बने, मुरीद ने एक एक ते पीर ने दो। आका नूं भुख ज़्यादा लगी, पैदल जा रहे ने, पैदल जांदियां 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 सहाबा नडाल होकर डिग पे, पैदल चलन की वजह तो सारे भुख तो ज़्यादा लगनी सी। मेरे पैगंबर को सहाबा की भुख बर्दाश्त ना होई, तवज्जो, सहाबा की भुख बर्दाश्त ना होई। जिस नबी नू सहाबा दी भुख बर्दाश्त नहीं, उस नबी नू काले मूह वाले दियां गालां बर्दाश्त होणगियां? कोई काली जबान वाला, काले मूह वाला, काले दिल वाला, काले कपड़िया वाला, काला खबीस अखनस परले दर्जे का चवल बदतरीन सहाबा दे तबर्रा करे तो नबी नू बर्दाश्त होएगा? जिन्हों भुख बर्दाश्त नहीं, उन्होंने तेरा तबर्रा कितों बर्दाश्त होए? आका फरमाते ने भाई किसी को खाण पीन वास्ते चीज़ है, हजरत अबू हुरैरा ने अल्लाह रसूल मशके मेरे मशकीजे ना थोड़िया जी खजूर ने, आपने फरमाया झाड़, अबू हुरैरा झाड़, जो झाड़िया ना तो विचों खजूर डिगिया 21, खाण वाले किन्ने? 1700, 1700 नहीं 1700। तो हुण नबी पाक चाहते भी चलो भुख मैनू ज़्यादा लगी है, मैं पहलू खा ला, लेकिन साडा पीर लड़न वारी सब तो अगे, तो खाण वारी सब तो पिछे। जो मैदाने जहाज चाका जाते सन ना, उदो आप दी सवारी सब तो अगे, तो जो फतह हो जाती नबी दी सवारी सब तो पिछे। इत्थे हुण 21 खजूर अबू हुरैरा दस्तरखान विछा विछाया, बिस्मिल्ला पढ़ के 21 खजूर उत्ते रख दीतियां। अबू हुरैरा दस दस बंदे बुलाई जा, खजूरा खुआई जा। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा ने परेशान में बड़ा होया, 21 खजूर 1700 का की जोड़ है? क्यों जाफर सिखा बोलो जोड़ की है? आंदे ने लेकिन मैनू एक वाकया पहलू भी याद सी, दुध का प्याला फड़ दे सारे नू पिया, सारे आंदे ने उदन भी 70 सहाबा सन, साबे सुफा। उदन भी अबू हुरैरा ने भुख मैनू बहुत ही लगी सी, मेरा दिल करे पहलू मैं पीया, लेकिन आर्डर नबी दे। हुण जिथे पहले ने मूल आया ना, उत्थे ही 17 ने मूल आया, उस जगह जिथे 17 ने लाया उत्थे ही अबू हुरैरा ने लाया, जिथे कतरा ने मूल आके पीता उस जगह से मूल आके आमीना दे लाल ने पीता है। हाँ, मेरे पीर मुरीदा ना झूठा भी खान डे ने अजकल दे पीर, तो तुहां वेख्या उन्होंने कमरे अलग, बिस्तर अलग, तो भांडे भी, भांडे जिन्हों के अलग होंगे ने तुहानू पता ही है, फिर बोलते नहीं। हाँ जी, जी आप बिस्तर तो नहीं बहना, पीर उन्हों का बिस्तर है। मैं सानू दसो जिथे बहना अही बहने, तो शाट पैंदी है, ये वखरे आए ने। अह जी ये साडे हाजत रवा ने, साडे मुश्किल कुशा ने, कोई मुश्किल कुशा बनांदा है, कोई हाजत रवा बनांदा है, कोई मुख्तारे कोल आंदा है, कोई लाजपाल कहिंदा है, कोई कोई आंदा गरीब नवाज,
कोई दाता कह रहा है, कोई गौसी आजम कह रहा है, कुरान की कह रहा है, इन्नल्लज़ीना तदउना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम। अल्लाह ने मैनू छड़ के जिन्हां नू पूछदे हो चवलो ये थोड़े वर्गे बंदे ही ने, ये थोड़े वर्गे बंदे ही ने जिन्हां नू जिन्हां दे अंदर मेरियां सिफतां पाण डए हो, कुछ शर्म करो हया करो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अबू हुरैरा दस दस बंदे बुला, दस बंदे आए, भी आए, ती आए, हजार आया, खजूरां खा गया, खजूरां मुकड़ियां ते एक पासे, कपड़े चो छाला मार मार के बार पईयां डिग दियां ने, 1700 ही खा गया, खजूरां वध गईयां। अबू हुरैरा ने अल्लाह रसूल वधिया मैं लल्ला, फरमाया अपनियां इक्की कढ़ लै विचों, अल्लाह रसूल लवांगा एक ही पर बरकत की दुआ भी तो करो। मेरे महबूब ने खजूर इस तरह मुड़ चलाइया, आसमान वाल निगाह उठाई, उठी तो दुआ बन गई, झुकी तो हया बन गई, तिरछी हुई तो अदा बन गई, मुड़ी तो कजा बन गई। अल्लाह इन्हें बरकत पा दे। अबू हुरैरा उरा तोशा दान की थी, अल्लाह रसूल है फरमाया इन्हू इधर कर, आपने की खजूर तोशा दान च पा दतिया, फरमाया इनू हूँ मूंदा ना करी, ये विचों ही कट कट के खांदा रही। अबू हुरैरा आंदे ने तोशा दान मेरे को 27 साल रहिंदा। किन्ने साल? 27 साल, ते एदे चो 50 वसक। सैयद सुलेमान नदवी ने लिखे 50 वसक अबू हुरैरा आंदे ने ते विचों कढ के मैं अल्लाह दे राज, 50 वसक किन्नी खजूर बनती है? 200 मन, यानी 200 मन इस तोशा दान चो कढ के खजूर मैं अल्लाह दे राज भी दिती, खजूरा फिर भी नहीं मुकियां। कोई इहदा पीर सानू विखाओ तो सही, कोई लियाओ तो सही। एक मैनू आंदा तुही केड़े पीर दी बैत हो, मैं पुत्र जी दी बैत की थी है ना, उहदे नाल वड्डा पीर ही कोई नहीं। ए नहीं जी, अगों उहदा पीर केड़ा है? मैं कहा तुहाडा पीर हो तो उहदा पीर, मैं कहा उहदा पीर है ही कोई नहीं, वह आप पीर ते नाले जी दी आहां बैत की, उहदे नाल सोहणा भी विखाओ ना। एक बंदा दो पीर नूं छड्ड के दूजे की बैत करता, पहला सोहना नहीं, पहला कुछ है, जिन्हों हुण फड़िया सोहना है, पहला छोटा है, जिन्हों हुण फड़िया वड्डा है। मैं क्या जिन्हों भाबिया ने फड़िया उहदे नाल सोहना भी कोई नहीं, उहदे नाल वड्डा भी कोई नहीं, पहलू विखाओ तो सही। तू एवं स्पीकर खोल के लगा रही, मैं लभ के लियावा कितों? सुन, वो तो इत्थे ही बैठे ने, लियाउणा कितों है? वह आंदे ने हाजिर भी है, नाजर भी है, जिंदा भी है, ते नाले लभण भी टुरे ने। अहीं ते हाजिर नाजर जिंदा मनते ही नहीं, फिर भी आने सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियान दी, मौला कमी छड़ी कोई नहीं सोने नू बनान दी, साड़िया ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया, सैरस मानो करके रातों रात आ गया, ओए लोड़ नहीं सुरैन दिती उरां परां जान दी, जग उते तुम पै गई नबी सुल्तान दी। साढ़े पीर ने काम आना जे क्यामत रोई वो बोलते रही, आहो जब तक साढ़े पीर दे फिंगरप्रिंट नहीं ना लगने उस वक्त तक दरवाजा नहीं जे खुलना। हाँ तेरा फिंगरप्रिंट लगे तो तेरे मोबाइल का ताला खुलद, उत्थे भी फिंगरप्रिंट ही लगने ने, फिर ताला खुलना। रब ने कह दिता दरबान नू जदों तक मेरा मुहम्मद ना आया दरवाजा नहीं खोलना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे पीरां दी उत्थे आवाज आ गई होनी है, उत्थे झंडा भी साढ़े पीर दा ही होना है जिहदे थले सारी मखलूक ने जमा होना है, सिफारिश भी साढ़े पीर दी चलनी, वह बोलते नहीं, हौज भी साढ़े पीर दा ही होना है, कि हे बाबे दी उत्थे छपड़ी भी नजर नहीं आनी, वह बोलते नहीं। इस वास्ते क्यामत नूं भी इंशाअल्लाह तआला भाबियां दे पीर ने ही कम आना है इंशाअल्लाह। आइए जरा गौर कीजिए, हजरत अबू हुरैरा आंदे ने मैनूं तिन्ना गल्लां दा बड़ा दुख होया। पहली गल, जिदन आका दुनिया तो फौत होए ना, बड़ा ही परेशान होया, बड़ा रोया। हजरत उस्मान शहीद होए, बड़ा रोया। तोशा दान मोढ़े तो डिग के टुट गया, तो बड़ा ही रोया, बड़ा रोया। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाजा सिहरुम मुबीन,
आइए मेरे आका मक्यों निकले मदीने जा रहे ने। रात विच एक कुली आई ते हजरत अबू बकर नू आका फरमाया अबू बकर भुख बड़ी लगी है प्यास लगी है आ कुली च पता कर हाँ कोई है। हजरत अबू बकर गए तो एक बुढ़री जी अम्मा जिहदा नाम है उम्मे माबद। अम्मा वो खाण पीन वास्ते चीज़ है आई। माँ ने जो सिद्दीक दे चेहरे ते वेख्या ते वेंदी रह गई ते खैमे चो निकल के ना बाहर जदों आमिना दे लाल दे चेहरे नू तकिया ते फिर पता की आंदी है आंदी है जिद्दन दी पैदा होई आ इहो जे सोहणे चेहरे मेरी अख ने अज तक वेखे ही नहीं। सुभान अल्लाह। आका फरमांदे ने अम्मा भुख बड़ी लगी है वो चीज़ खाण वास्ते है ही। मां दी वे सोहणियो पुत्रो जिन्हां रावां तो लंघ के आए हो मैं उन्हां रावां तो भी कुरबान जावां। मेरा खावन चरागाह च बकरियां चारन गया है शाम पेगी अपने घर आएगा बकरियां लैके तुसीं आ मेरी कुली च आराम करो मैं थानू दुध चो चो के रजा रजा के पियावांगी। आका फरमांदे ने अम्मा मैं ठहरन नहीं आया मैं तो जान वास्ते आया साडे पिंडे डूंगे ने वाटा लमिया ने जे कोई है तो ठीक है तो नहीं तो आप बकरी तू घर च बनी है दुध नहीं देंदी। पुत्रे तो कई साल की बीमार है ये को उठा नहीं जाता खलोता नहीं जाता इन्हें दुध की देना। अम्मा अगर तू इजाजत दें तो तजर्बा कर लीए। सुभान अल्लाह। देखो माई भी कली बकरी भी कली तो साडा पीर चोन की इजाजत मंगता पाया तो जे अजकल का पीर बाबा होंदा ना बकरी रही ना माई रही किला भी खाली कुली भी खाली वो चीज रहनी। हाँ अल्लाह अम्मा दिए थोड़े चेहरे वेनिया परेशान होने जी करता थोड़िया गल्ला सुननिया तो परेशान होने जी करता चेहरे वेनिया कुरबान होने जी करता। मैं कहनी है बीमार है दुध नहीं देती तुही आते चोंदी जद अच्छा नहीं मुड़ते जाओ फिर तजर्बा कर लो वेख लो। सिद्दीक ने नबी वल वेख्या नबी ने सिद्दीक वल वेख्या हाय 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 आका मुस्कराए बस बिस्मिल्ला पढ़ के बकरी के थड़ा नू हाथ ही लाया। और कहिए वाले हो इवें मालूम हुंदा सी बकरी मुद्दता तो इस मुसाफर का इंतजार कर रही है थान दुध दुध हो गया। अम्मा कोई बर्तन आई माँ छोटी जी गिलासी लैके भी खिंचया खुचया कोई धार निकली है पर इनू की पता है कौन आया जिधर जाता है रहमत है नाल कदम कदम पे बरकते नफ्स नफ्स पे रहमतें जहां जहां से वो शफीए आसिया गुजर गया जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ रात है आज तक वही वही सार हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। सुभान अल्लाह। ले आओ तो सही अल्लाह गलासी भर गई गिलास भर गया जग भर गया पतीली भर गई ये हुण जंगल भी आ बाण है केड़ी कोई अलीपुर चट्ठे दे स्टील की दुकान है बोलते या गिलास कही स्टील की दुकान बर्तन भर गए नबी पाक ने खुद पीता है अम्मा नू पियाया अमर बिन फुहैरा अब्दुल्ला बिन अरीकत नू पियाया पेट भी परे ने थन भी परे ने बर्तन भी बोलो करगे मंजल एक जगात पहुंचिया नबी हकानी रस्ते ऊपर तंबू अंदर डिठी एक जनानी उम्मे माबद नाम बतावल सी मस्कीन नुमानी कर दे अंदर बकरी बनी लागर दर दर जानी। आका फरमांदे ने है कुछ खावन पीवन कारण चीज तेरे घर काई सदके जावा कुछ नहीं हाजर माई ने अरज सुनाई अम्मा चोंदी इजाजत दे जाओ चोलो छड़ गए तंगी फाके सारे ते बरकत शाह अबरारा ओए सारा टब्बर दुध पे आ पीवे ते गुजरे नी साल अठारा। नबी दे जान तो बाद बकरी किन्नी देर दिंदा रही 18 साल ते दुध 18 साल। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात खंदक खोदी जान रही है
हज़रत जाबर नबी दे सहाबी ने आए, अल्लाह रसूल थोड़ा भुख बड़ी लगी है तो दोपहर में ना दो कु सहाबी नाल लै जे तो मेरे घर थोड़ा खाना है। हुण कौन आखे इस पीर नूं ऐसरा नहीं तो ऐसरा भी आप खा ले तो मुरीद ना खाण। ये अजकल दे पीर थोड़े ने आप खा डफ लेंदे ने बाद च वध गया तो तबर्रक 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 ही सही। ये हिसाब नहीं, आका ने खंदक के किनारे दे खलोया 1200-1300 जाब बाद सारिया का लंच भी जाबर आले जाबर आंदा लै हुण मरिया। क्योंकि तुम आखो मौली साहब किन्ने बंदे होने ने थोड़े ना ही आखिए 10 या 5 तो तुम पंजां दी बजाय 10 का इंतजाम कर लो तो मौलवी अंदर वड़े तो उहदे 5 होर होण फिर तो हम मोटर चला के पैप ही लाना है हांडी च बोलते नहीं क्यों भाई ना सर। हाँ भाई हुण शोरा ही वधाओ बंदे ज्यादा आ गए नहीं, जिन्या का इंतजाम होए उन्ने ही जाने चाहिए, मेज़बान की अजमैश नहीं लैनी चाहिए। नबी अली सलाम फरमाते ने जाबर मेरे आने तक हांडी भी चूल्हे तो नहीं लानी तो आटा गुन के पकाना भी नहीं। अगली गल नहीं दसी नबी अली सलाम। जाबर परेशान घर गए, बीवी कहन लगी परेशान क्यों वो अल्लाह रसूल ने दावत कबूल नहीं की है तो फिर परेशानी कह दी अहां दावत नबी नू दे उन्हें को 1300 दे लश्कर नू दे छड़ी तो अजकल की बीबी होंगी उन्हें कहना तेनू भी मना करनी है तू भी नस नस के जाना है। डेरे चलते ने बीवी दे सिर ते बीवी मेहमान नवाज होए तो बंदा चौधरी है, ये गल याद रखो बंदा तरनट चौधरी हो। अगर बुढ़ी मेहमान नवाज ना ना मिले खुदा दी कसम चौधरी दी उंजी उल रुल जाती है, हाँ पटरी ही ला देती है। अगर वह आके 5 कप चाह कर लिया जे तो बीबी आके तो बूरियां चोईया नहीं तो चौधरी से पले की रहा जे 5 की बजाय 6 कप आए फिर तो पूरा चौधरी है बोलते नहीं। डेरेदारी मेहमान नवाजी वह बीवी के सिर ते। नबी अली सलाम ने नहीं फरमाया तलहा अंसारी कि बंदा भी जरा रोटी खुआएगा वो तलहा मेहमान नाल लै गए। हुण रोटी छाबे सिर्फ तलहा जोगी है तलहा अंसारी जोगी। बीवी कहन लगी रोटी थोड़ी पई है हुण तो हाँ मेहमान नबी पा दा लैन दा ते ए रोटी इहदे अगे रखो मैं पला मार के दीवा गुल करनी आ तुसीं नेरे चोंजी मूँह हिलांदे रहो। मेहमान रोटी खा के राजेगा रिश्ते रब राजी जमीन ते मुस्तफा राजी। सवेरे जब जबरील कुरान लैके आया जबरील हसदा पिया आका फरमाते ना जबरील हसना क्यों है सोनिया थोड़े जोड़े ते रात रब भी अरशा दे हसदा ही रहा वो थोड़े जोड़े ते ना राती थोड़े जोड़ा जो करता ही पिया उहदे ते रात रब अरशा दे हसदा रहा। नबी पाक दी हदीस है जिहदे ते रब मुस्कुरा पैंदा अल्लाह उस बंदे नूं अजाब नहीं देगा, ये भी हदीस है सिक्के मां। अल्लाह अकबर वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेहमान नवाजी अल्लाह नू बड़ी पसंद है सिर्फ इंसाना नू ही नहीं अल्लाह नू ही। ते जेड़ा मेहमान नवाज है उहदे घर चो रब रिजक नहीं मुक्कन देंदा लिख के लै जो। जेड़ा मेहमान नवाजी करदा उहदे घर चो अल्लाह रिजक नहीं बल्कि रहमतां ही रहमतां होंदियां ने। इस वास्ते मेरे भाईओ हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर के बेटे रोटी नहीं खांदे होंदे जब तक कोई मेहमान नहीं मिल जाता। रोटी पका के मदीने तो बाहर निकल जाते बंदे लब के नाल बहा के रोटी खुवाते हैं। हजरत इब्राहिम भी मेहमाना ना मिल के खाते सर। नबी अली सलाम भी मेहमान नवाज सन। अम्मा खतीजा ने नहीं किया इन्नक लतसिलु रहीम व तहमिलु कल्ला व तकरी ज़ईफ व तुईनु अला नवाइबिल हक कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़ी कल्ला हुआ बदा। आका जी के अंदर यह सिफता हो ना रब उन्होंने बंदियां नूं ज़ाया नहीं करता उन्होंने बंदियां नूं ज़ाया नहीं करता। तुसीं मेहमान नवाज हो कमा के लोगों नूं खवाण वाले सिला रहमियां करन वाले। मेरे भाईओ सिला रहमी करिया करो खाने खिलाया करो। आका आए थोड़ा जिहा हांडी थुकिया कनाली जाबर हुण सालन वरताई जा रोटियां पकाई जा ते सारे लश्कर नूं खवाई जा। जाबर आंदे ने नबी दे थुक की बरकत ही इन्नी सी ना रोटी मुकी है ते ना बोटी मुकी है। आ मौलवी नहीं आंदे अई उत्ते पालना आउंदे आई मौलवी आंदा ही पिया भाई उत्ते खाने तो पढ़ने थानू पीड़ पैंदी है सानू कदी पीड़ पैंदी है। नबी पाक ने तो थुकिया हांडी जे तुसीं आंदे उत्ते पढ़ो ना ही तो कोली पढ़ने आ। मैं कहा तू नबी की सुन्नत अमल कर तू भी लोगों दी हांडियां ही थुकिया कर पर थुकन जाना ही तो सिर लोहे का लैके जाई बोलते ते नाले मौलवी तेरे थुक च वबा ही वबा है नबी दे थुक च शिफा ही शिफा है।
वो तो थुक जेनी शिफा है। अज भी मदीने निकलो ना बदर नू राज एक कुआ आउंदा है उत्थे नबी ने क्याम कीता सी उहदा पानी कौड़ा सी नबी ने अपना थुक उहदे सुटिया अज भी उस कुएं दा पानी मिठा है। आ अहले हदीसां तो सुन सजना जे गल्ला सुननी आनी मदनी पीर दियां जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे ओदियां उंगलां चन नू चीर दियां वजा आसा तो अजब किस गल दा पत्थरां चो पानी नित चलदा पंजा उंगलां चो निकलियां पंज नहरां ए उंगलां नी मेरे पीर दियां एक लेला ते सवा सिर दाने सी बारा तेरा सो फौजियां खाने सी थुकिया हांडी कनाली विच सोने ने भुखा निकलिया सारे लश्कीर दियां। अल्लाह अमल दी तौफीक दे। फलम्मा जा अहुम बिल बैयिनात कालू हाजा सिहरु मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला इबाद मुसलीन। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عزيز الباس رب الناس واشف انت شافي ला शफा इल्ला शफाउक शफा अल्लाह युगादिरु सकम। अल्लाह जितने मुसलमान बीमार ने सेहत अता फरमा जिन्हें दुखी लाचार ने दुख दूर फरमा अल्लाह जिन्हें परेशान ने परेशानियाँ दूर फरमा अल्लाह जिन्हों के वालदैन मेरे समेत फौत हो गए अल्लाह उन्होंने बख्शिश फरमा अल्लाह अम्मी अबू चाचू की कबर न जन्नत की क्यारी बना अल्लाह जिन्हों जिन्हों के इस मजमे चो वालदैन फौत हो गए सब की बख्शिश फरमा मेरे भाई नासर दे वालद की कबर नू अल्लाह जन्नत की क्यारी बना अल्लाह साड़ी माँ नू सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा अल्लाह इन्हां दे बच्चे नू कुरान दा कारी कुरान दा हाफिज़ बना अल्लाह भाई मुर्जा दी वालदा नू अल्लाह सेहत अता फरमा अल्लाह इस मजमे जिन्हें बे औलाद ने नेक औलाद नसीब फरमा उलामा दा बैठना सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमा मेरे अल्लाह डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब दा प्रोग्राम करवाना अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल कर ले मेरे अल्लाह जितने मुसलमान बीमार ने हस्पतालां घरां दे अंदर अल्लाह उन्होंने शिफाए कामिला आजला अता फरमाए साडे भाई आफताब साहब ने अल्लाह ताला इन्हां दी जवानी च बरकत अता फरमाए बड़े पुराने बेली ने साडे अल्लाह ताला भी इहदे रिज़क च बरकत अता फरमाए इस तरह जिन्हें साडे शेख ने उलामा ने सारे तशरीफ लियाए अल्लाह इन्हां दी जवानी च इल्म व अमल कुव्वत बयानी च अल्लाह बरकात नाजिल फरमा जिन्हियां मेरिया मावां बहनां बेटियां आईयां अल्लाह सब दाना कबूल फरमा अल्लाह जिन्हें मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग बच्चे मावां बहनां बेटियां आईयां अल्लाह इन्हां नूं दुनिया आखरत दियां नेमतां नाल मालामाल फरमा मैं इंशाअल्लाह तआला 1 दिसंबर नूं आ रहा रुकनपुर। हाँ जी आउणा तुसां वी सारे आओगे ना इंशाअल्लाह। मेरा बेटा अतीकुर रहमान है अही बाप बेटा ही आ रहे हैं दोवें जने ते सारे साथी तशरीफ लिया जे रुकनपुर के अंदर जुमे रात 1 दिसंबर नूं प्रोग्राम मस्जिद अल्लाह जिड्डा सोहना घर है अल्लाह इस मस्जिद नूं भी आबाद कर दे। उची गवो आमीन। अल्लाह इस मस्जिद नूं आबाद कर दे। अल्लाह इस मस्जिद के नमाजियां नूं ज़्यादा कर दे। अल्लाह लोकां दे दिल इस घर वल फेर दे। मेरे अल्लाह मसाजिद नूं आबाद कर दे। अल्लाह ये दरबार दुनिया के शिरक के अड्डे बड़े आबाद ने अल्लाह अपनी तौहीद के अड्डे भी आबाद कर दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين।